एक तरफ केजरीवाल ईडी से भाग रहे हैं तो दूसरी तरफ संजय सिंह बुरी तरह हर एक मामले में फंसते जा रहे हैं। घोटालों में सरकार या घोटालों की सरकार, कट्टर ईमानदार का झांसा देकर सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल और इनकी सरकार ने घोटालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। कुछ ही विभाग है और रोज ही नया घोटाला सामने आ रहा है और हट धर्मिता देखिए, ईडी से भागे फिर रहे हैं और खुद ही निर्णय भी सुना रहे हैं कि पूछताछ गैर जरूरी है। इस बीच आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। सांसद संजय सिंह के कारण होना पड़ा भयंकर जलील। झूठों के सरदार आप सांसद संजय सिंह की चोरी न्यायालय में पकड़ी गई। यूपी के जलशक्ति मंत्री रहे महेंद्र सिंह पर संजय सिंह ने लगाए थे निराधार आरोप। महेंद्र सिंह की इमेज खराब करने की कोशिश की थी। अब कोर्ट ने बड़ा एक्शन लेते हुए संजय सिंह पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। शराब घोटाले केस से जुड़े मामले में फिलहाल दिल्ली की जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के सामने और भी चुनौतियां हैं। संजय सिंह की मुश्किलें अभी हल नहीं होने वाली है। बुधवार को मानहानि के मामले में उनके लिए एक बड़ा झटका तब लगा जब लखनऊ की एक अदालत ने पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा दायर मानहानि मामले में 1,00,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। इसके अलावा उनके ऊपर सोशल मीडिया से सभी झूठे वीडियो और पोस्ट हटाने के आदेश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि आज से 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने झूठे आरोप लगाने के मामले में लखनऊ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने विस्तृत आदेश में संजय सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निराधार आरोप लगाना संजय सिंह की आदत बन गई है। वे अपने आरोपों के पक्ष में कोई और सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, जबकि महेंद्र सिंह बीजेपी के एक जिम्मेदार नेता है और उनकी छवि एक सम्मानित राजनेता की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि संजय सिंह अगर 2 महीने के भीतर 1,00,000 रुपए का जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उन्हें फैसले की तारीख से 6% ब्याज सहित जुर्माना देना होगा। कोर्ट से बड़ी जीत मिलते ही महेंद्र सिंह ने लिखा, सत्यमेव जयते। आज सिविल जज लखनऊ कोर्ट के आए फैसले का मैं स्वागत करता हूं। सच्चाई की जीत हुई। मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगाने वाले आप पार्टी के सांसद संजय सिंह पर कोर्ट ने 1,00,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही मेरे विरुद्ध आप पार्टी एवं संजय सिंह द्वारा किए गए सभी सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का भी आदेश दिया है। मैं उन सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझ पर और मेरी सच्चाई पर हमेशा विश्वास किया। भारत माता की जय। 2 साल पहले महेंद्र सिंह, जो उस समय उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री थे, उन्होंने लखनऊ अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संजय सिंह ने उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाए थे। कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में टिप्पणी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और निराधार आरोप लगाना संजय सिंह की आदत बन गई है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संजय सिंह अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत देने में विफल रहे, जबकि महेंद्र सिंह सम्मानित राजनीतिक छवि वाले भाजपा के एक जिम्मेदार नेता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।